हाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल की पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट में जो थोड़ा सा वीक पॉइंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पे है, लेकिन पोस्ट अच्छी क्वांटिटी में है, 7 मेडिकल कॉलेजों के लिए है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस, अप्लाई करने का सिस्टम और कितना का बॉन्ड पीरियड है, इसको पूरे को समझते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कन्नौज, इनके लिए है। को अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग कंडीशंस है, किसी पोस्ट पे इंटरव्यू है और किसी पोस्ट पे एग्ज़ाम है, तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम है। तो देखिए, प्रिंसिपल की 7 पोस्ट है अनरिजर्व, 7 मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट। एक पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एक ही फॉर्म लगेगा, यानी कि 7 मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक फॉर्म लगेगा। लेकिन यदि दूसरी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल की पे, तो वहाँ पे फॉर्म उसके लिए सेपरेट भरना पड़ेगा। इसी तरह से यदि डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई करना है तो फॉर्म दूसरा भरना पड़ेगा, लेकिन पोस्ट वो एक ही पोस्ट पे एलिजिबल होगा। तो प्रिंसिपल पोस्ट पे 140 का पेमेंट, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे 120 का पेमेंट, प्रोफेसर पोस्ट पे 1 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर पे 80,000, असिस्टेंट प्रोफेसर पे 70,000 और ट्यूटर की पोस्ट पे 45,000। प्रिंसिपल 7, वाइस प्रिंसिपल 7, 2 प्रोफेसर की पोस्ट, और इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की यदि हम पोस्ट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पोस्ट हो रही है आपकी 18 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि हम पोस्ट देखें तो यहाँ है पोस्ट आपकी 27 पोस्ट, और ट्यूटर्स यदि नर्सिंग ट्यूटर्स की पोस्ट देखें तो यहाँ टोटल पोस्ट है 10, 40, तो ये 55, 56, 66, 76 और 84 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है अच्छी। यदि अनरिजर्व्ड देखें तो अनरिजर्व्ड पोस्ट भी लगभग 40% अनरिजर्व्ड पोस्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। INC के मानक अनुसार क्वालिफ़िकेशन है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 15 ईयर का एक्सपीरियंस है MSc नर्सिंग के साथ में, जिसमें से 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, और उसमें से टीचिंग एक्सपीरियंस में 5 ईयर का जो है कॉलेज प्रोग्राम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस मांगा गया है। PhD डिसायरेबल है। सेम वाइस प्रिंसिपल में है 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वहाँ 15 ईयर्स का था, यहाँ 12 ईयर्स का है, जिसमें से 10 साल का है टीचिंग एक्सपीरियंस और 5 ईयर्स का कॉलेज प्रोग्राम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस। प्रोफेसर पोस्ट पे 10 साल का एक्सपीरियंस MSc नर्सिंग के साथ में और 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, PhD नर्सिंग डिसायरेबल है। एसोसिएट प्रोफेसर पे MSc नर्सिंग 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में और 5 ईयर का उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो चाहे स्कूल ऑफ नर्सिंग में हो या किसी में भी हो, कॉलेज का यहाँ पर डिज़ायरेबल नहीं है। तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पे कॉलेज प्रोग्राम में कंपलसरी नहीं मांगा गया है, यानी कि MSc नर्सिंग होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो BSc के बाद हो चाहे MSc के बाद हो, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मस्ट है। यदि 3 ईयर्स का और कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो चलेगा, यानी कि यदि हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है या फिर किसी और पोस्ट का एक्सपीरियंस है तो वो टोटली 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MSc नर्सिंग विद 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई सा भी नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, किसी भी तरह का। PhD नर्सिंग डिसायरेबल है। और ट्यूटर के लिए MSc, BSc, PSc, PBSc नर्सिंग 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर क्वालिफिकेशंस। अधिकतम आयु 68 साल है। आवेदन शुल्क ₹2,000 है, ऑनलाइन सबमिट करना है। अब यहाँ पर
ये लिखा है कि किसी भी दशा में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन पत्र देने होंगे। तो जैसा कि हमने बताया था ऊपर कि यदि कोई व्यक्ति नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए भर रहा है तो सातों नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपलों के लिए एक ही फॉर्म जाएगा, लेकिन यदि वो साथ में वाइस प्रिंसिपल के लिए भी भर रहे हैं तो उस केस में फॉर्म सेपरेट भरना होगा, पृथक आवेदन देना होगा। तो ये इनका शुल्क जमा कराने का विवरण है। और ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने की तिथि 16 मई 2022 5 बजे तक है। तो ऑनलाइन कराने के लिए आपको इसको यहाँ से स्कैन करना होगा, या तो या आप इस एड्रेस को लिख के चले, इस एड्रेस को आप वीडियो पॉज करके लिख के और अपना गूगल पे इसको सर्च करके यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको डिस्क्रिप्शन में भी इस एड्रेस को लिख देंगे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा संविदा की पोस्ट है, विनियमितीकरण के लिए कोई हकदार नहीं होगा, इसके लिए वो शपथ पत्र भी यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा साक्षात्कार के समय कि हम कोई नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर के पदों का चयन वॉक इन इंटरव्यू से होगा और बाकी सारे पद असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पद लिखित परीक्षा से होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा कि 7 पोस्ट प्रिंसिपल की, 7 पोस्ट प्रोफेसर कायम 22 प्रिंसिपल की, 14 और 2 पोस्ट ये प्रोफेसर की, 16 पोस्टों के लिए इंटरव्यू है, बाकी सारी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम है। बाकी इनका ये वेबसाइट है www.updgme.in, इस पर जाकर और सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। साक्षात्कार के समय 2 फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनका फोटोकॉपी के साथ में। इंटरनेट से ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। संविदा अवधि अधिकतम 2 वर्ष, 2 साल की संविदा अवधि अधिकतम रखने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, अथवा जब तक नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो, या फिर नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर लास्ट कम फर्स्ट गो जो अंतिम आया है पहले हो जाएगा के आधार पर संविदा सेवा समाप्त की जाएगी। सेवा संतुष्ट न पाए जाने पर 1 माह का नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है। किसी तरह की विनियमितीकरण, नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे। तो कुल मिला के कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। अब देख लेते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे किस तरह का लीव है, क्या छुट्टियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो छुट्टियों के लिए नीचे चलते हैं। नीचे देखिए कि आपका चयन होने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करना है। यदि 15 दिन में ज्वाइन नहीं करते हैं तो वहाँ पर उसको कैंसिल माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी जो नियमित टीचर्स को बेनिफिट मिलते हैं प्रोफेसर्स को, वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे क्योंकि संविदा की पोस्ट है। 8 घंटे की ड्यूटी होगी। कार्य दिवस में प्रेजेंट रहना है। कार्य दिवस में अनुपस्थित होने पर वेतन नहीं मिलेगा उस दिन का, ये तो कॉमन सी बात है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश 14 दिन का है। CL और मेडिकल सब मिला के 14 दिन की है और राजपत्रित अवकाश अनुमति के पश्चात देय होंगे। और मैटरनिटी लीव मिलेंगी 180 दिन की मैटरनिटी लीव के लिए यदि एलिजिबल है तो, और 1 सप्ताह से ज़्यादा लगातार अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं बिना सूचना के, बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के 1 सप्ताह से ज़्यादा, तो उसका वहाँ पर कैंसिल माना जाएगा। और ये कोई ट्रांसफरेबल पोस्ट नहीं है, स्थानांतरण नहीं होगा। तो इस तरह की है ये इन पोस्टों के लिए टर्म एंड कंडीशंस। तो यदि आप इच्छुक है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।